दोस्तों, हम सब लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर आकर ये जरूर सोचते हैं कि काश हम टाइम ट्रेवल कर पाते तो पास्ट में जाकर हम हमारी की हुई गलतियों को सुधार लेते और अपनी लाइफ को थोड़ी और आसान बना लेते। टाइम ट्रेवल का सुनते ही हम सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ऐसे थे जो टाइम ट्रेवल से डरते थे? उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। जी हाँ दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग टाइम ट्रेवल से डरते थे। उनका मानना था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में टाइम ट्रेवल करने से ये दुनिया तबाह हो सकती है। मान लें कि एक सन के साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बना ली जो हमें समय में 1 मिनट पीछे ले जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि समय में 1 मिनट पीछे जाने से क्या ही होगा, ये दुनिया कैसे तबाह होगी? अगर वो साइंटिस्ट पास्ट में 1 मिनट पीछे चला जाए और खुद को मार ले किसी तरीके से, तो उसकी मौत टाइम ट्रेवल करने के ठीक 1 मिनट पहले हो जाएगी। अगर वह टाइम ट्रेवल करने के 1 मिनट पहले मर गया तो वह टाइम ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। और अगर उसने टाइम ट्रेवल नहीं किया तो उसकी मौत कैसे हुई? वह कौन था जिसने उसे मारा? यह था ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसके अकॉर्डिंग पास्ट में जाना और चीज़ों को बदलना पॉसिबल नहीं है, और अगर हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे पास्ट में जाकर, तो हम समय के एक लूप में फंस कर रह जाएंगे और फिर हम प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के शिकार हो जाएंगे। यह पैराडॉक्स कहता है कि यदि आप पास्ट में जाकर चीज़ों को बदलने की कोशिश करोगे तो प्रेजेंट में चीज़ें बदलेंगी नहीं, बल्कि उनके घटने के जिम्मेदार आप खुद बन जाओगे। यानी टाइम आपको जरिया बनाएगा प्रेजेंट में घटने वाली घटनाओं का। मान लें कि आपके बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाता है। अब आप पास्ट में जाकर उसे बचाने की सोचते हो। आप उस समय में चले जाते हो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे जोर से आवाज़ लगाकर इशारा करके उसे गाड़ी रोकने को कहते हो, लेकिन उसकी कार की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से सडनली कार को कंट्रोल नहीं कर पाता है और कार आपके ना टूट जाए इस वजह से वह सडनली ब्रेक लगाता है, इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपके दोस्त के एक्सीडेंट के जिम्मेदार आप ही होते हो। आप इससे बहुत दुखी होते हो और फिर से पास्ट में जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने की सोचते हो, लेकिन जब आप एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हो तो आप अपने पहले वाले रूप को वहाँ पहले से ही पाते हो, जो और कोई नहीं, आप खुद थे। आप देखते हो कि आपका पहले वाला रूप सड़क पर खड़े होकर कार रोकने की कोशिश कर रहा है। अब आप अपने पहले वाले रूप को रोकने का सोचते हो ताकि कार सीधी निकल जाए और एक्सीडेंट ना हो। जब आप अपने पहले रूप को रोकने के लिए भागते हो तो आपका दोस्त आपको भागते हुए देख लेता है और वो कन्फ्यूज हो जाता है ये सोचकर कि ये यहाँ क्या कर रहा है और ये भाग क्यों रहा है। और आपके दोस्त का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है इस वजह से भी। दोनों बार आप जिसे बचाने जाते हो उसकी मौत के जिम्मेदार आप खुद होते हो। यह पैराडॉक्स आपको ब्रह्मांड के नियमों के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा दिखाता है और यह समझाता है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, यह पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग पास्ट में ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने की, या स्पेस में लाइट स्पीड से फास्ट एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल करने की, तो दोस्तों यह पॉसिबल हो सकता है मल्टीवर्स से। मल्टीवर्स क्या होता है? मल्टीवर्स में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो कैसे है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इनलाइट लिंक को सब्सक्राइब करें।